हेलो एवरीवन, सुबह की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने शेयर करने जा रही हूँ भरवा शिमला मिर्च की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। आप इसे दाल चावल के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भरवा शिमला मिर्च बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है कुछ शिमला मिर्च, जिसको कि हम इस तरह से बीज से कट करेंगे और इसका सारा बीज हम निकाल लेंगे। ये देखिए, हमने चाकू की हेल्प से सारे बीज को निकाल लिया है। इसी तरह से दूसरे शिमला मिर्च को भी हम कट कर लेंगे। जितना हो सकता है इसका हम हाथों से बीज निकाल लेंगे और फिर हम इसे बाद में धोएंगे। तो धोएंगे तो पानी से ये अपने आप ही बीज सारे निकल जाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि एक प्लेट हमने शिमला मिर्च को अच्छे से धो करके और इसका सारा बीज हमने निकाल लिया है। अब चलते हैं अगले प्रोसेस पर। तो हम यहाँ पर स्टफिंग तैयार कर लेते हैं शिमला मिर्च। तो एक गैस पर हमने पैन चढ़ा दिया है और पैन जैसे ही गर्म होगा हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच सरसों का तेल। तेल गर्म हो गया है तो इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच लहसुन कटा हुआ और 2 हरी मिर्च। तो सारा फ़ौरन हमारा जब लाल हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे 1/2 कटोरी कटा हुआ और उसे भी हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। प्याज भी हमारा अच्छे से भून गया है, इसका कच्चा भून दूर हो गया है। तो इसमें हम कुछ सूखे मसाले ऐड कर देते हैं। सबसे पहले हमने डाला है 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच काली मिर्च पका हुआ, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार और 1/2 चम्मच गरम मसाला। सारे मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले हमारे अच्छे से भून गए हैं तो इसमें हम डाल लेंगे 2 टमाटर। अगर आपको पसंद है टमाटर तो आप डालिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए। वैसे टमाटर डालने से बहुत ही चटपटा फीलिंग तैयार होता है। तो यहाँ टमाटर भी हमारा सॉफ्ट हो गया है और ये अच्छे से देखिए मसाले में एब्जॉर्ब भी हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे 4 से 5 बॉयल आलू और आलू को हम अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। आलू को हमने हाथों से ही क्रश कर लिया था, आप चाहे तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। मैंने हाथों से ही इसे बारीक मैश लिया था। तो अब हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ और जब आलू हमारे अच्छे से मसाले के साथ मिक्स हो जाएंगे तो इसमें हम डालेंगे ऊपर से धनिया पत्ती, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। बिल्कुल समोसे वाली फीलिंग हमने तैयार किया है, आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी लगते हैं दाल चावल के साथ। तो फीलिंग हमारा परफेक्ट तैयार हो गया है। तो इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और थोड़े से ठंडा होंगे तभी हम इसे शिमला मिर्च में भरेंगे। अगर गरम भरेंगे तो अच्छे से ये नहीं सेट हो पाएंगे। तो फीलिंग हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया है तो इसे हम एक चम्मच के मदद से शिमला मिर्च में भरते जाएंगे और जो चम्मच का निचला पार्ट होता है उससे हम इसे अंदर तक फीलिंग को तैयार करेंगे। इतना हो सकता है इसे हम चम्मच के मदद से हेल्प से इसे हम भरेंगे। देखिए इस तरह से हम आसानी से भरते जाएंगे और जो चम्मच का निचला पार्ट होता है उससे हम इसे अंदर तक जैसे दबाएंगे। हमारा बिल्कुल स्टफिंग तैयार हो गया है। इसी तरह से सारे शिमला मिर्च को हम फिलिंग करेंगे। यहाँ देखिए हमने एक प्लेट शिमला मिर्च को तैयार कर लिया है। तो अब चलते हैं इसे हम फ्राई कर लेते हैं। गैस ऑन करके हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है, उसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। आप चाहे तो कोई भी कुकिंग ऑयल जो आपको पसंद है उसमें आप इसे डीप फ्राई कर सकते हैं। तेल हम बिल्कुल गर्म होने देंगे क्योंकि ये सरसों का तेल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसका स्मेल होता है। तो तेल जैसे ही गर्म होगा हम इसमें एक एक शिमला मिर्च को इस तरह से डालेंगे। एक बार में जितना हमारा 4 से 5 शिमला मिर्च होता है उतना ही हम इसमें डालेंगे और इसे हम डीप फ्राई करेंगे। शिमला मिर्च को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसे हम उलट पलट करके धीमी आँच पर पकाएंगे ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए चारों तरफ से। तो ये देखिए हमारा शिमला मिर्च बिल्कुल तैयार हो गया है, इसे हमने अच्छे से उलट पलट करके कुक कर लिया है। तो इसी तरह से हम इसे थोड़ा सा और उलट पलट करके कुक करेंगे। देखिए ये आधा हो गए हैं। तो अब हमारा शिमला मिर्च बिल्कुल तैयार हो चुका है। देखिए गोल्डन ब्राउन के हो चुके हैं चारों तरफ से, कितने ही लग रहे देखने में। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं एक एक शिमला मिर्च को इस तरह से चम्मच की हेल्प से। तो सारे शिमला मिर्च को हमने निकाल लिया है। इसी तरह से जो बाकी के बचे हैं उसे भी हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे।
तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक जरूर कर दें, और मेरे चैनल में न्यू विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फैमिली मेंबर दोस्तों में जितना हो सके शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।